हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज का वीडियो होने वाला है ट्रेड जर्नल के ऊपर। मैं उसको कैसे मेंटेन करती हूँ एंड वो मेरे लिए कैसे बेनिफिशियल होता है एंड आप लोगों के लिए भी ये कैसे हो सकता है। तो आप में शायद कुछ लोगों को पता होगा कि मैं मार्केट में 2.5 ईयर्स के आसपास हो चुका है मुझे आज। एंड मैंने जो ट्रेडिंग स्टार्ट किया है वो बहुत बिगिनर लेवल से स्टार्ट किया है। मुझे ज़्यादा आइडिया चीज़ों का इनिशियली भी नहीं था और मैं सच बोलूँ तो आज भी मुझे बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आती नहीं है और मुझे लगता है कि उस सब चीज़ मार्केट में जानने की नीड भी नहीं होती है। तो मैं मिनिमल चीज़ें फॉलो करती हूँ और मैं डे वन से वही करते आई हूँ। आज भी मेरा वही है कि मैं सिस्टम को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करना अवॉइड करती हूँ और जो मेरे लिए काम करता है मैं और जो मेरे लिए बेस्ट मुझे सूट करता है मैं उसी को ही फॉलो करती हूँ। तो इनिशियली जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था तो मुझे ऐसा लगता था कि ट्रेडिंग जर्नल या फिर जो मैं कर रही हूँ उसको नोट करने की नीड क्या है, बस हो जाता था ट्रेडिंग। बट एक्चुअली देखा जाए तो पता नहीं चलता था कि मैं क्या ट्रेड भी कर रही हूँ, वो कैसे मेरे लिए गया है और यू नो डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे कब मैंने लॉसेस लिए और कौन से दिन वो कैसे परफॉर्म किया। कुछ इवेंट हुआ था क्या मार्केट में जिस दिन मैंने बिग लॉसेस लिए, उस दिन मेरा मिस्टेक क्या था, तो ये मैं कभी नोट नहीं कर पाती थी। तो एक दिन ऐसे ही सुभाषिश एंड मेरा डिस्कशन चल रहा था कि इसको मैं कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ। तो सुभाषिश सजेस्टेड कि व्हाई डोंट यू स्टार्ट मेकिंग नोट ऑफ यू नो कि मैं क्या ट्रेड लेती हूँ या फिर कैसे लेती हूँ, क्या उस दिन मेरे मिस्टेक हुआ है, मैं उसको नोट करना स्टार्ट करूँ। तो मैंने इन जनरल बस एक बुक लिया, नॉर्मल सा एक डायरी टाइप, मैंने उसमें लिखना स्टार्ट कर दिया कि मैं आज मैंने क्या ट्रेड लिया है, किस पॉइंट पे लिया है एंड उसमें लास्ट में मुझे प्रॉफिट एंड लॉस क्या हुआ उस डे का। एंड अगर कुछ रिमार्क है फॉर एग्जाम्पल, अगर उस दिन कुछ इवेंट हुआ, कुछ न्यूज़ आया और यू नो मैंने ओवर ट्रेड कर लिया, मैंने मुझे पता चल रहा था मैं लॉस में, स्टिल मैंने उसको इंक्रीज किया एंड देन वो न्यूज़ के वजह से कुछ निगेटिव इम्पैक्ट हुआ, उसके वजह से आई एंड अप इन लॉस। एंड कभी कभी दिन बहुत अच्छा जाता था और बहुत कम टाइम में प्रॉफिट मिल जाता, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें मैंने नोट करना स्टार्ट किया एंड देन मुझे रियलाइज हुआ कि एक्चुअली ये बेनिफिशियल है एंड ये काम करता है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं फायर्स का 30 डेज चैलेंज अब तक 60-70 टाइम्स जीत चुकी हूँ। मुझे ऐसा लगा कि ये वन ऑफ द रीजन हो सकता है कि मैं ट्रेड जर्नल जो मैनेज करती हूँ, मेंटेन करती हूँ, उसके लिए भी वो यू नो इम्पैक्टफुल हो जाता है और ये एंड ऑफ द मंथ मुझे यूजफुल होता है। तो जब मैंने ट्रेड जर्नल को नोट करना स्टार्ट किया, मेंटेन करना स्टार्ट किया, तो वो बहुत एक नॉर्मल सा कॉपी होता था एंड आई रियलाइज कि हाँ मैं नोट तो कर लेती थी बट वो सिस्टमेटिक एंड प्रॉपर वे में नहीं होता था। कभी कभी मुझे बार बार जाना पड़ता था एंड यू नो लिखने में ही सारा टाइम चले जाता था। ट्रेड जो टाइम है वो 9:29:35 समटाइम्स हो जाता था एंड मैं उसको नोट ही करते रह जाती थी। तो मुझे एक्चुअली ऐसा लगा कि कुछ एक चीज की जरूरत है जो सिंप्लीफाइड वर्जन में हो, यू नो मुझे पता है ये फील्ड्स है, मुझे इनको फील करना है, दैट्स इट। तो मुझे बस जैसे मेरा ट्रेडिंग डे स्टार्ट होता है मुझे पता है मुझे ये मेंटेन करना है, मुझे ये ट्रेड लेना है और एंड ऑफ द डे वो कैसे परफॉर्म किया, क्या हुआ एग्जैक्टली मार्केट में, बस वो नोट करना है। तो मुझे इसका नीड लगा एंड देन आई डिस्कस विद सुभाषिश एंड सुभाषिश सेड के लेट्स प्लान समथिंग, के ऐसा कुछ करते हैं जो यू नो लोगों के लिए भी यूजफुल हो, जो एक्चुअली काम करता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेड जर्नल लिखना इसलिए यूजफुल है क्योंकि जब आप कुछ भी चीज़ लिखते हैं मुझे ऐसा लगता है वो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहता है कंपेयर टू द आप जो कंप्यूटराइज वे में करते हैं यू नो मेंटेनिंग इन वॉट एवर वे। बट मुझे ऐसा लगता है लिखना जो है वो बेस्ट वे है क्योंकि आपको वो मेमोराइज हो जाता है, आपको याद रह जाता है कि वो कैसे हुआ था एंड ट्रेड आपका कैसा गया स्पेसिफिकली। तो देन हम लोगों के डिस्कशन इनिशियली चलते रहे, कुछ लोगों से हमने डिस्कस भी किया कि यू नो कैसे हो सकता है, वेल यूटिलाइज हो सकता है कैसे एंड प्रॉपर कैसे हो सकता है। देन हमको रियलाइज हुआ कि हमको ऐसा एक चीज़ चाहिए, यू नो ऐसा एक प्रोडक्ट चाहिए जिसमें हमारे पास प्रॉपर फील्ड्स हो, जिसको हम फिल कर सके एंड यू नो बहुत ज़्यादा नहीं, एक्स्ट्रा मुझे लिखना ही नहीं है। मैंने जिस दिन जो काम किया मेरे लिए, मैंने क्या सेटअप यूज़ किया फॉर दैट मैटर कुछ भी, वो बस पर्टिकुलर फील्ड्स मुझे बस फिल करनी, उसके अलावा मुझे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखना है एंड एंड ऑफ द डे मेरे साथ कैसे हुआ बस मुझे ये फिल करना है। तो मुझे ऐसा लगा कि इसके लिए कुछ होना चाहिए। देन फाइनली हमने डिसाइड किया कि डिज़ाइन क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। हमारे कुछ मल्टीपल इटरेशंस के बाद फाइनली वी कम अप विद द ट्रेड बुक। में से कुछ लोग ऑलरेडी इसको यूज़ करते हैं एंड मैंने देखा है कि रिपीटेड ऑर्डर्स भी होता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये एक्चुअली लोगों के लिए यूजफुल है एंड सबसे बड़ी बात है कि आज के इस टाइम पे भी लोग स्टिल चीज़ों को लिख के मेंटेन करना यूज़ कर रहे हैं। तो जब हमने लास्ट ईयर इसको लॉन्च किया था हमारे वेबसाइट पे तो मैंने बहुत ही अच्छा रिस्पांस देखा एंड आई वाज वेरी हैप्पी एंड देन हमारा पूरा स्टॉक सोल्ड आउट हो गया था उसी टाइम पे, कुछ विद इन 2-3 डेज के स्पैन पे, विच वॉज अ वेरी गुड रिस्पॉन्स फॉर अस। तो कुछ लोगों की यू नो मेल्स से मैसेजेस थे कि दे वॉन्ट अपग्रेडेड वन, अ न्यू वन फॉर दिस ईयर। तो इस साल 2023 का अपग्रेडेड वर्जन फाइनली वेबसाइट में आ चुका है एंड 26 जनवरी में हमारा ऑफर आने वाला है, ये आप जाके चेक कर सकते हैं वेबसाइट में। तो ये है ट्रेड जर्नल एंड देखते हैं इसको मैंने कैसे फिल किया है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ये सब फील्ड्स लिखा है, मुझे एंड ऑफ द डे क्या प्रॉफिट लॉस हुआ वो है, एंड देन रिमार्क है मुझे कि मैंने क्या मिस्टेक किया था, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पोजीशन रॉन्ग हुआ था उस दिन, ये मैं ऐसे इसको फिल करती हूँ। एंड अभी देखते हैं कि आप एक फ्रेश पेज लेते हैं नया एंड इसको कैसे लिखना है। तो यहाँ पे मैंने एक फ्रेश पेज निकाल लिया है एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट का फील्ड है, जो भी डेट है वो मैं लिखती हूँ पर्टिकुलरली, एंड देन क्या डे है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एक्सेट्रा, एंड देन फंड्स में उस दिन पर्टिकुलरली मेरा कितना फंड है, फॉर एग्जांपल 15 लाख, यहाँ पे मैं व्हाटएवर जो एग्जैक्ट है मैं वो लिखती हूँ पॉइंट के साथ भी एक्चुअली, एंड वो आपका मर्जी है आप पॉइंट वाइज लिखना चाहे या नॉर्मली बस मेंशन करना है तो। एंड लेट्स स्टार्ट विद द सिंबल। तो मैं निफ्टी ट्रेड करती हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ निफ्टी, एंड फॉर एग्जांपल अभी मार्केट चल रहा है 18,100। ओके, तो फॉर एग्जांपल मैंने लिया है 18,100 का पीई, देन एंट्री मैं कर रही हूँ समवेयर अराउंड 81.3 में, एंड एग्जिट मैंने किया है समवेयर अराउंड 60.5 में, एंड PNL मेरा जो इस जो पर्टिकुलर मैंने ये PE लिया है इसका मुझे प्रॉफिट या लॉस मिला है फॉर एग्जांपल 50,100 समथिंग। एंड सेटअप यूज्ड जो है इसमें आप स्ट्रैडल हो गया स्ट्रैंगल हो गया जो भी आप फॉलो करते हैं 5 AM में जो भी आप फॉलो करते हैं वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप जितने भी ट्रेड लिखते हैं PE, CE या व्हाटएवर आप सिंबल यहाँ पे आप उसको लिख सकते हैं, आप इवन बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं आप बैंक निफ्टी लिख सकते हैं, आप स्टॉक्स ट्रेड करते हैं आप वो मेंशन कर सकते हैं। मेन आपको ये एंट्री एग्जिट एंड PNL सेटअप यूज ये सब यूज़ करना है। सेटअप यूज अगर आप एक ही डेली करते हैं तो आई डोंट थिंक सो मेंटेन करने का जरूरत है, मैं एक ही फॉलो करती हूँ तो मैं जनरली ये फील्ड को एम्प्टी छोड़ देती हूँ। अगर आप कोई ऐसे जो यू नो मल्टीपल सेटअप्स यूज़ करते हैं तो देन यू कैन मेंशन पर्टिकुलरली कि आपने आज क्या यूज़ किया एंड देन नेक्स्ट डे आप क्या यूज़ करने वाले हो, देन दिस सेटअप फील्ड इज़ यूजफुल। इसके अलावा आ जाते हैं अभी रिमार्क्स में। तो रिमार्क्स में फॉर एग्जांपल मेरा पोजीशन रॉन्ग गया या फिर मैंने यू नो गलत पोजीशन ऐड कर दिया, मुझे कुछ और पी ऐड करना था मैंने कुछ और किया, कभी कभी जल्दी जल्दी में ये हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल रॉन्ग पोजिशन एडेड, नो इट कैन बी एनी थिंग, आपको एंड ऑफ द डे 3:15 जब भी आपका ट्रेड क्लोज होता है, कभी कभी जल्दी भी हो जाता है 12-1 बजे जो भी आपका टाइम है, मैं कभी कभी एग्जिट टाइम भी मेंशन कर देती हूँ कि मैंने टाइम क्या टाइम मतलब कितना बज रहा था 11:30 हो रहा है 11:30 समवेयर, कभी कभी मेंटेन करती हूँ कभी कभी नहीं करती हूँ। बट रिमार्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसके बेसिस पे आपको पता चलता है कि उस दिन कुछ इवेंट था क्या, कुछ न्यूज़ आया था क्या, क्या आपने उस दिन मिस्टेक किया है, आपको किस चीज़ को इम्प्रूव करना है। तो ये रिमार्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप आगे यू नो फिल कर लेते हो एंड जब आप रिटर्न आते हो तो आपको पता चलता है रिमार्क में ही कि आपने क्या मिस्टेक किया था। तो ये एनालिसिस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड बन जाता है यू नो। तो मैंने यहाँ पे अभी के लिए एग्जाम्पल के लिए लिख लिया है कि रॉन्ग पोजिशन एडेड, एंड देन मैं सपोज पूरा वीक में मंथ में मैंने नोट कर लिया है एंड देन मैं वापस आऊँ तो ये मेरे लिए यूजफुल हो जाता है कि एक एक रिमार्क को पढ़ना। कभी कभी किसी किसी दिन कोई भी रिमार्क नहीं होता, मार्केट बहुत नॉर्मल होता है, तो इट्स ओके टू लीव दैट एम्प्टी ऑल्सो। नाउ लेट्स कम टू दिस सेक्शन। तो जब भी आपका वीक ओवर हो जाता है राइट, तो यहाँ पे एक पेज है जहाँ पे समरी है, आप कुछ इसमें यू नो पर्टिकुलरली मेंटेन करना चाहे लिखना चाहे वो आप लिख सकते हैं। इसके अलावा आपका जब ओपन हुआ था यू नो आपका वीक ओपन हुआ तो उस आपका क्या बैलेंस था, एंड देन क्लोजिंग जब हुआ वीक का तो आपका क्या बैलेंस है, आपने मैक्सिमम प्रॉफिट कितना लिया, मैक्सिमम लॉस कितना लिया और मैक्सिमम लॉस ऑन द डे, मतलब वीक में कौन सा एक दिन था जो आपने मैक्सिमम लॉस लिया है। सिमिलरली मैक्सिमम प्रॉफिट भी आप लिख सकते हैं, टोटल लॉस कितना हुआ, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ वीक का, एंड देन करंट अगर आपका कुछ होल्डिंग है तो वो क्या पोजीशन में है, कैसे चल रहा है, एंड अगेन वीकली रिमार्क, अगर आप एंड ऑफ द वीक कुछ रिमार्क रहता है तो आप वो वहाँ पे लिख सकते हैं कि व्हाट वेंट वेल एंड यू नो हाउ वाज योर वीक। तो ये फील्ड यूजफुल हो जाता है। तो दिस इज़ हाउ आई यूज़ ट्रेड जर्नल टू फिल माई डेटा, सो दैट यू नो आप इसको पूरा भर सकते हैं एंड देन बाद में आप आके देख सकते हैं कि किस दिन क्या इवेंट था क्या हुआ। आपको जाके न्यूज़ में या कहीं जाके नहीं देखना है कि अरे उस दिन ये हुआ था इसलिए मेरा ऐसा हुआ है, ये सब आपको बैक टेस्टिंग एंड ऑल में बहुत ईजी हो जाता है। तो ये था ट्रेडिंग जर्नल। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि ट्रेड जर्नल को मेंटेन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आप ओवर ट्रेडिंग और अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज कर सकते हैं, आपने क्या गलत किया, आप किसको आपको किस चीज़ को पर्टिकुलरली यू नो इम्प्रूव करना है, आपके लिए क्या बेस्ट काम करता है, ओवरऑल वीक कैसे गया है, ओवरऑल ईयर कैसे गया, और आई थिंक ये बहुत ही यूजफुल हो सकता है। तो आप लेटेस्ट ऑफर कुछ चेक करना चाहते हैं तो आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, लिमिटेड ऑफर है एंड लिमिटेड नंबर ऑफ कॉपीज भी है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, अगर अच्छा लग रहा है तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।